को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर हो या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, वहाँ के जो सौहार्द का ताना बाना है, सुरक्षा का ताना बाना है, अगर कोई भी ताकत नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है या करती है, तो वो मानवता के, मुल्क के का दुश्मन है। और इस दिशा में सरकार और जो एजेंसीज हैं वो मजबूती के साथ काम कर रही हैं और उस साजिश के तह तक जा रही हैं जो साजिश की इस तरह के षड्यंत्र और साजिशों के कारण बने। सर, विपक्ष का ये इंडिया वर्सेज इंडिया मुद्दा चल रहा है, इसमें क्या? देखिए, पहले एक यूपीए था, अब ये यूपीए एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं ना, जैसे कि जो एकदम पूरी तरह से जो है वो दिवालिया हो जाता है। तो यूपीए जब एनपीए हो गया तो उसके बाद उन्होंने जो है वो उसका नाम बदल के काम वही और नाम जो है वो नया। तो इसीलिए जो है वो इस तरह की जो छल चंद्रों की छलबाजी है वो निश्चित तौर से उनका कोई भला करने वाला नहीं है, एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे के गणित को बिगाड़ दिया है और जब कुनबे का गणित बिगड़ जाता है तो इसी तरह की कोशिशें होती हैं। ये पहला मौका आप देख रहे होंगे कि पहले यूपीए था, जब यूपीए जो है वो दिवालिया हो गया, एनपीए हो गया, तो उसके बाद उसका नाम उन्होंने बदल दिया और वो इंडिया रखा, वो भी टुकड़े टुकड़े करके रखा। तो ये चुनाव तो इस बार देश में इंडिया टुकड़े टुकड़े इंडिया वर्सेस अखंड भारत होगा। ज्ञानवापी को लेकर के क्या कहेंगे, विवाद चल रहा है? देखिए, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कमनल क्रूर करतूत के करेक्ट करने का वक्त है और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही है। एक चीज़ सबको समझना चाहिए, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जो लूटे गए, जो तोड़े गए, उसके गुनाहगार हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी जो देश में आए उनकी जो क्रिमिनल कमनल और क्रूर करतूत रही है उसका वो कारण रहा है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त है। ये भी कहा है कि अगर अभी को मस्जिद कहेंगे तो उसका विरोध होगा, विवाद खड़ा होगा उसके लिए। आप ऐसा है कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत पहले, लगभग 30-35 साल पहले मैं वहाँ गया था और जब मैं जा कर के उसके पीछे का हिस्से से मैं गुजरा था तो मुझे उसमें बहुत आक्रोश गुस्सा आया था और मुझे दिखा था कि कमाल है, सारे आप पीछे पूरे मूर्तियाँ, सारे वो चीज़ें जो चीज़ें कि मंदिर में होनी चाहिए वो हैं, लेकिन उसको कहा जा रहा था कि ये मस्जिद है, तो वो उस समय बेईमानी हुई। अच्छा, मुस्लिम पक्ष का यह है कि जैसे कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर के सीएम योगी इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाई, ऐसा है कि सीएम योगी ने एक रास्ता समाज के सामने रखा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। सर, नू में जो अभी घटना हुई उसको लेकर सभी हिंदू और मुस्लिम संगठनों में तनाव है। देखिए, मैं इसको हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं देखता, कुछ ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो देश के विकास और देश के सौहार्द और देश की समृद्धि के माहौल को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें मिल करके उनके इन षड्यंत्रों को, इन साजिशों को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग न मुल्क के मित्र हैं, न मानवता के मित्र हैं और न किसी मजहब के मित्र हैं, ये दुश्मन है देश के। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कहा कि आप जितनी जनसभाएं करें उसमें धार्मिक जो भावनाएं उसको भड़काने से बचें। देखिए, धार्मिक भावनाएं कोई किसी को नहीं भड़काना चाहिए, लेकिन जो लोग अब तक भड़काने के गुरु घंटाल रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।